और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज बड़ा छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बिगिनिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है, और वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या टॉपिक है दोस्तों? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है सीबीएसई के हिसाब से, उसमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ, तो उसमें जो सबसे पहले पेपर में जो एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशन है, हर आदमी, हर यूजर, हर अकाउंटेंसी को यूज करने वाले को यूजर कहते हैं। तो हर यूजर क्या कहते हैं? यूजर, अकाउंटेंसी को यूज करने वाले को। तो हर यूजर अकाउंटेंसी का मीनिंग अलग अलग कर सकता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कुछ होना चाहिए। तो वो क्या होता है, इस पर भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस, उसके बाद हम लोग आगे चल लेंगे और हम देखेंगे कि आपको उन सभी डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है। ये बात क्लियर हो गई? देखिए, एक नए स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये होता है कि अकाउंट्स है क्या। वर्ड होते हैं, देखिए एक वर्ड मैं बताता हूं, अकाउंट्स, अकाउंट्स। दूसरा वर्ड्स अकाउंटिंग, और तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड क्या? अकाउंटेंसी। अब तीन वर्ड हैं, क्या तीनों का सेम मीनिंग है? मेरी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आपको इसे अगले लेक्चर में पता लग जाएगा कि इन तीनों मीनिंग नहीं होता, तीन अलग अलग है। एग्जाम में कोई भी एक पूछा जा सकता है, अकाउंट्स पूछा जाएगा, अकाउंटिंग पूछा जाएगा, अकाउंटेंसी, या आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, या आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, या के बारे में पूछा जा सकता है कि तीनों पर एक एक सिंगल सिंगल लाइन लिख कर दीजिए। ये बात क्लियर? ज्यादातर स्टूडेंट्स जब इन तीनों के बारे में एक साथ पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होने वाले, क्योंकि आप, मैं हूं और मेरे साथ आप हैं, तो हम लोग इसे अच्छे से सीख कर तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब ने कॉमर्स स्टडीज लिया है। कॉमर्स क्यों लिया है? क्योंकि आप में बारीकियां होती हैं, उसको सीखना चाहते हैं और उसको हैंडल करने के तरीके भी सीखना चाहते हैं। दो बातें, हाउ टू बिजनेस, बिजनेस को कैसे करें, ठीक है, और उसके बाद हाउ टू उसको ट्रैक कैसे करें, बिजनेस को हम अपने बुक्स में कैसे लिखें कि हम अपने बिजनेस को समझ सकें। बात समझ में आ रही है? तो हाउ टू डू बिजनेस, ये आपके पास कौन सा मिलेगा आपको, ये आपको सीखने को मिलेगा आपको बिजनेस स्टडीज। अब हैगा आपके सब्जेक्ट में, क्या है आपके सब्जेक्ट में? बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे आपको सब्जेक्ट मिलते चले जाएंगे आपके 11th स्टडीज में, आपके 12th स्टडीज में, आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में, और अगर आप MBA करते हैं या आप CA करते हैं, तो धीरे धीरे आपको बहुत सी बारीकियां पता लगती चली जाती हैं। आपको पता लग कि हाउ टू डू एंड हाउ टू ट्रैक बिजनेस, हाउ टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड्स, ये सब आपको पता लगता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? जब मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और आप भी बिजनेस कर रहे हैं, मैंने आपको, जो स्टूडेंट्स मेरा इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अब मैं उनको खुश करने वाला हूं, कर दूं खुश। मैंने जी आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, बोलो क्या 1 करोड़ रुपए लोगे आप? अरे बड़ी जल्दी तैयार हो गए सभी स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा कि आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप इसका बिजनेस करके दिखाइए। सबसे पहली बात, ये 1 करोड़ रुपए आपके हैं या किसी और के हैं? किसी और के हैं, यानी मेरे हैं, आपके तो नहीं है ना, तो यानी इसका मतलब आपने उधार लिया, लोन लिया,
ठीक है, और लेकर आप बिजनेस को चला रहे हैं, पहला तो ये हुआ। और अगर आप अपने पास से पैसा लगा रहे हैं, मार्केट से उधार नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने पास से पैसा लगाकर चला रहे हैं, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग वर्ड मीनिंग वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई कि क्या मतलब होता है का, क्या मतलब है लोन का, और एक वर्ड आएगा लायबिलिटी, उसका क्या मतलब होता है। बात समझ आई? तो मजा लूटते हैं, और आज का मजा क्या है कि आज हम बिजनेस करने जा रहे हैं। आज हम आपको 1 करोड़ रुपए आपने अपने पास से लगाए या आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने बिजनेस कर तो आप क्या क्या करेंगे जरा सोचिए। आप सबसे पहले, आपको अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चर, तो आपको फैक्ट्री की जरूरत है। फैक्ट्री की जरूरत है तो आपको जमीन लेनी पड़ेगी, लैंड लेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, मशीन बनाएंगे या बनी बनाई बिल्डिंग खरीदेंगे और उसमें मशीन परचेज करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, यानी कि फैक्ट्री लगाएंगे। तो फैक्ट्री में ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसे आप खरीद भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। बिल्डिंग भी किराए पर ले ली, मशीन, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब उसको मार्केट में आपने सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास कुछ अपने ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि जो लोग इसको आगे सेल्स करवाएंगे। तो आपको ऑफिस में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो बाहर जाकर रिलेशनशिप बनाएं, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं और फिर उसे मार्केट में सेल करवाएं। पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट अवेयरनेस होगी, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, और जो उसमें से खरीदना चाहेगा उस तक कैसे भेजा जाएगा, किन तरीकों से भेजा जाएगा, उनसे कैसे पेमेंट ली जाएगी, ये सब डिसाइड करके उनको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। कुछ को कैश पर दिया जाएगा, जिन पर विश्वास है उनको उधार पर दिया जाएगा, बाद में पेमेंटें आएंगी, आप अपने स्टाफ को भी पेमेंट करेंगे, फैक्ट्री को भी करेंगे। पेमेंट नहीं आई तो कैसे पेमेंट करना है, ये भी बिजनेस में आपको सोचना। मेरी बात से समझ में आ रही? तो ये सब क्या है? बिजनेस। पॉइंट क्लियर? आपने भी बिजनेस कर लिया, आपने भी कर लिया, बिजनेस की एक झांकी दिखी नहीं दिखी, नजर आ गया बिजनेस, आप कौन है उसमें बिजनेस को चलाने वाले। मैं आपसे पूछता हूं कि बिजनेस में जो ये पैसा आएगा जाएगा, खर्च होगा, क्या आप इसे दिमाग में, अपनी मेमोरी में याद रख सकते हैं? बताइए, आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों? चलो ये बताइए कि आज से 2 साल पहले क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या आप बता सकते हैं? 2 साल पहले क्या हुआ था बता सकते हैं? पॉइंट क्लियर? यानी हमारी जो मेमोरी है वो एक टाइम के बाद क्या है, इतना एग्जैक्टली याद नहीं रखती, ना मेरी ना सामने वालों की। तो इसके लिए जरूरी क्या है, उसे लिखना, उसके लिखना, लिखने को बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। अभी अभी आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? रिकॉर्डिंग से तो देख रहे हैं, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या कहेंगे हम उसे? वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में ऑडियो भी जा रही है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब अगर मैं उसे रजिस्टर पर लिख लूं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि मैनुअल रिकॉर्डिंग। कहेंगे मैनुअल रिकॉर्डिंग। अगर मैं उसे कंप्यूटर पर लिख लूं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो वो क्या हो गया? डिजिटल रिकॉर्डिंग। क्या कहेंगे? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, बहुत तरीके की रिकॉर्डिंग्स है दुनिया में। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि मेरा जो बिजनेस है मुझे उसको लिखना है। या तो मैं उसे खुद लिख लूं मैन्युअली, या फिर मैं क्या करूं, उसे कंप्यूटर में लिख लूं। तो लिखूं कैसे? जैसा मेरा मन में आए वैसा लिखूं, या कोई सही तरीका होना चाहिए जिसे लोगों ने आजमाया हुआ है और लोगों ने उसको पास किया हुआ है? बताइए आप सभी। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे लोगों ने यूज करा है और उसके बाद उसे अच्छा पाया और उसे रिकमेंड करा कि अगले वाले आदमी को, एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को, दूसरी जनरेशन ने तीसरी जनरेशन को, और जो उसमें कमियां रही उसको एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते पहुंचाते ठीक करती गई। पॉइंट क्लियर? तो यूज करना और उसमें आने वाली कमियों को ठीक कर उसे इम्प्रूव करना और उसे डेवलप में आ रही है, ये काम है अकाउंटेंसी का। और यूज करने का समझ में आ गया। और लिखते जो हैं हम मैन्युअली या डिजिटल, वो लिखते क्या है? अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग, हम अकाउंट्स को लिखना कैसे है, और अकाउंटिंग के डेवलपमेंट को सिखाता है अकाउंटेंसी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर्स
आज मैं आपको बिजनेस करना सिखा दिया हूं कि कैसे पैसा आएगा, कैसे बिजनेस चलता है। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों, प्रॉब्लम आ गई कि लिखें कहां, भूल जाएंगे। लिखना क्यों जरूरी है बताइए? क्योंकि या क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए। कल को गवर्नमेंट हमें कहे आपने टैक्स नहीं दिया, तो हमें एविडेंस चाहिए, हमें सबूत चाहिए कि हमने पेमेंट किया है। बात समझ में आ गई? तो हमें बहुत सबूत चाहिए, हमें अपने लिए भी सबूत चाहिए, हमें अपने कर्मचारियों से भी प्रूफ चाहिए। तो एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम हमें कौन देता है? हमें बुककीपिंग रिकॉर्डिंग देती है। और बुककीपिंग रिकॉर्डिंग दो तरीके की होती है दोस्तों। कितने तरीके की होती है? एक सिंगल एंट्री बुककीपिंग और एक डबल एंट्री बुककीपिंग। क्या है बुककीपिंग? और देखो, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, सिंगल एंट्री बुककीपिंग और डबल एंट्री बुककीपिंग। क्या? और डबल एंट्री बुककीपिंग। तो आपके पास जो बुक है आपके हाथों में, जो आपके स्कूल में है, जो सीबीएसई ने आपको रेकमेंड करी है, या जो आपके स्टेट बोर्ड ने रेकमेंड करी है, वो बुक है डबल एंट्री बुककीपिंग। ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे, मिस्टर फ्रा लुका पिसियोली। आपको सब टाइप करके दिया हुआ है, आप वहां पढ़ लेंगे। तो एक मैथमेटिशियन थे मिस्टर फ्रा लुका पिसियोली, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया था। तो बेसिकली अकाउंटिंग मैथमेटिक्स, जो हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री यूज करते हैं, वो एक मैथमेटिक्स बेस्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है वो? मैथमेटिक्स बेस्ड सिस्टम है। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है बताइए? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, ऑफ, ठीक है, ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। बिजनेस रिकॉर्ड कौन से? ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल। हाँ, तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। बिजनेस रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, ठीक है, हमें उनको, उसको हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड मेकिंग वेरियस रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अभी आपको बताया मैंने कि यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स क्या होते हैं बताइए? यूजर्स होते हैं जो अकाउंटेंसी को यूज करते हैं। कौन अकाउंटेंसी को यूज करता है, ये आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मेरा वीडियो देखिएगा। लेकिन यहां पर बताना जरूरी है मुझे आपको, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जो बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगा रहा है वो अकाउंटेंसी का यूजर, क्लियर। इसके अलावा उसने जिससे उधार खरीदा है, तो जिससे उधार खरीदा है वो पार्टी भी अकाउंटेंसी का यूजर है, क्योंकि वो भी चाहती है कि एक प्रूफ रखे। गवर्नमेंट भी अकाउंटेंसी का यूजर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्यों करती है, उसने टैक्स लेना है। मेरी बात समझे? जो लोग जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, सेल्स में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली अकाउंटिंग के, क्योंकि उनको भी क्या करना पड़ता है, वो भी कंपनी का प्रोग्रेस देखते हैं। प्रोग्रेस देखेंगे तो वो फिर मैनेजमेंट से समय समय पर अपने लिए बातें करते हैं। तो ये सब यूजर ऑफ अकाउंटिंग वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ जरूरी था कि यूजर्स कौन है। बहुत सारे यूजर्स हो गए, खुद मालिक यूजर हो गया, जो लोग जॉब कर रहे हैं वहां पर मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट यूजर हो गया, गवर्नमेंट यूजर हो गया, ठीक है ना, स्टॉक यूजर है, यूजर हैं, उधार देने वाले लोग जो क्रेडिटर्स या हम जिन्हें बैंक बोलते हैं वो भी यूजर्स हैं। तो देयर आर मेनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन अपने आप में एक सिंपल डेफिनेशन है,
कैसी डेफिनेशन है? सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्यों है बताइए? बताइए क्यों है? क्योंकि ये मैंने बनाएंगे तो स्लाइटली इसमें कम या ज्यादा कुछ कर सकते हैं, मैं इसमें फिर दोबारा से बताऊंगा तो मैं भी इसे कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो यानी कोई डेफिनेशन भी होनी चाहिए जो क्या है, स्टैंडर्ड। क्या है? जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो किसी ने बताई है, जिसे हम लिखें तो ना तो आप चेंज कर पाओ ना ही मैं चेंज कर पाऊं, तो वो कौन सी डेफिनेशन है? अब मैं उस पर आने वाला हूं। पहले आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब देख, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, ये बताइए क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है? वो बनाता है आईसीसी। क्या बनाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। परफेक्ट है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के भी तो कोई रूल बनाता होगा, तो कौन बनाता है बताइए? तो देखो, इसके लिए क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसको टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स किसको देना पड़ता है वो बताइए? बिजनेस टैक्स किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगी। क्या सारी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो सेम है? अलग अलग है। तो इसलिए हर कंट्री में बिजनेस का फॉर्मेट अलग अलग है, क्योंकि हर जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए जो अकाउंटेंसी को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे यूएस की बात करें तो यूएसए में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बताइए? यूएसए में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन है AICPA। इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स? ICAI। मेरी बात समझे? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया? इसी तरह से हर कंट्री में अलग अलग है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में है AAA। ठीक है, यूरोप में CIM है। तो बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब सवाल उठता है, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा बहुत सारी टीम है, तो सबसे टॉप की टीम कौन सी है? उससे नीचे तो रैंकिंग होती है ना, तो ऐसी इनकी भी कोई रैंकिंग होगी। तो
तो पूरी दुनिया में इसे नंबर वन रैंकिंग मिलती है। कौन सी मिलती है? नंबर वन रैंकिंग। और आपको ये बड़ा प्राउड फील होगा कि हम लोग दूसरे नंबर पर हैं इस समय। कौन से नंबर पर हैं? तो आईसीआई सेकंड नंबर पर है पूरी दुनिया अकाउंटिंग के पर्पस से, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो 49 के बाद से ही स्टार्ट हो गया था हमारा इंस्टीट्यूट, जबकि ये मोर देन 150 ईयर्स हो गए। तो हमने बड़ी जल्दी अचीव किया है इस पोजीशन को। तो पूरी दुनिया में जो AICPA की जो डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग की, वो पढ़ी जाती है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कौन सी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन। तो वो ये कहते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की और एंड समराइजिंग, साथ में समरी बनाने के साथ में। तो ये हमने अपने सिंपल उस समराइजिंग किसकी? रिकॉर्ड्स की। तो इसमें जो लिखा हुआ है, समराइजिंग देम इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब सिस्टम से है स्टूडेंट्स। किससे है? सिस्टम यानी एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिसमें हमें आसानी हो। इन टर्म्स ऑफ मनी, अब हम लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे पैसों में। अगर इंडिया में लिख रहे हैं तो इसमें, यूएस में लिख रहे हैं तो डॉलर्स में। अगर मेरे को लिखने हैं अपने बुक्स में लिखने हैं, तो मैं बिल्डिंग नहीं लिखूंगा कि मेरी एक बिल्डिंग दिल्ली में है, एक मेरी बिल्डिंग कानपुर में है। मैं सीधा लिखूंगा कि बिल्डिंग अगर दोनों 1-1 करोड़ रुपए की है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए की। मैं उसे ये आइडेंटिफाई नहीं करूंगा अकाउंट्स में कौन सी है। यूजर्स को बताने के लिए मैं सिर्फ 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बताऊंगा। मैनेजमेंट को बताना है तो बता दूंगा कि कौन सी बिल्डिंग कहां पर है, उसके प्रूफ रखे हुए हैं, उसकी रजिस्ट्री रखी हुई है, आप देख लीजिए। यूजर्स को हम सिर्फ बताएंगे उसकी वैल्यू, बताएंगे वैल्यू, और वो भी किस में बताएंगे? मनी में बताएंगे, ठीक है। तो हम किसको बताते हैं? हम बताते हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को बताते हैं। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा इवेंट्स क्या होते हैं। तो अभी मीनिंग में अभी ये रिलेवेंट नहीं है। मीनिंग खत्म होने के बाद इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है, उसमें मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा डिटेल में, और यहाँ अभी थोड़ा सा बताऊंगा। बात समझ में आई? लेकिन पहले इस डेफिनेशन को हम क्या कर लेते हैं? फिनिश कर, पूरा कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? ध्यान दें, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे, सर रिकॉर्डिंग क्या होता है, सर क्लासिफिकेशन क्या होता है, सर समराइजिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे, सर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, हर एक का एक एक वीडियो है। आप जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग का वीडियो देखें, आप जाएं क्लासिफिकेशन का वीडियो देखें, आप देखें समराइजिंग का वीडियो देखें, तो आपको इसे और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो सभी को अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पर वर्क कर रहे। तो हम किसको लिखते हैं? हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। किस में लिखते हैं? मनी में लिखते हैं। ट्रांजेक्शन इवेंट्स दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। कितने तरीके के होते हैं? एक होते हैं फाइनेंशियल वैल्यू वाले और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल वाले। बिजनेस में आप बैठे हुए हो, कोई कोई दुकान, कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है और आपसे सामान खरीदता है, पैसे देकर चला जाता है, तो वो क्या है? ट्रांजेक्शन। और कौन सा है? फाइनेंशियल, और आप उसे मनी में लिख सकते हैं। कोई कस्टमर आया, ठीक है, और उसने आकर आपसे क्या कहा? आपसे कहा कि सर ये क्या मैं न्यूज़पेपर जो आपके काउंटर पर है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ? आपने कहा पढ़ लीजिए।
तो ये भी अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है क्या? इसकी कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे मनी में, हम उसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो ट्रांजेक्शन इवेंट्स कौन से होने चाहिए? यस, विच आर एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, फाइनेंशियल वैल्यू के होने चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रांजेक्शन इवेंट्स दो तरीके के हैं, फाइनेंशियल वाले, नॉन फाइनेंशियल वाले। कस्टमर आया, पैसे दे दिए, तो फाइनेंशियल हम लिखेंगे। कस्टमर आया, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और चला गया, तो नॉन फाइनेंशियल। कस्टमर आया, आपके एसी में थोड़ी देर हवा खाई और वापस चला गया, तो वो भी नॉन फाइनेंशियल है, उसे हम नहीं लिखेंगे। आ गया इवेंट्स, नेपाल भूकंप आया, फैक्ट्री बर्बाद हो गई, वो इवेंट्स है और वो फाइनेंशियल नेचर का है, क्योंकि उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग किसी की खत्म हो गई, तो वो फाइनेंशियल वैल्यू हो गई, उसे हम लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर मानकर चलिए कि आज जहां पर आपकी शॉप है वहां पर कर्फ्यू लग गया, क्या लग गया, तो आप दुकान खोलेंगे क्या, आप फैक्ट्री खोलेंगे क्या? तो ऐसी हालत में वैसे तो वो शॉप बंद है, लेकिन उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, तो वो इवेंट्स कौन सा हो गया? नॉन फाइनेंशियल। कर्फ्यू लगा हुआ है, नॉन फाइनेंशियल। भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, वो फाइनेंशियल। तो कर्फ्यू जो लगा हुआ है हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम उसे मनी में चेंज नहीं कर सकते। पर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया नेपाल में, और आपकी फैक्ट्री थी, आप किसी की फैक्ट्री थी और वो वहां गिर गई, तो ऐसी हालत में वो जो लॉस है उसे मनी में हम गिन सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बिल्डिंग कितने की थी, तो हम उसे गिन सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? और ऐसी हालत में फिर जो आएगा, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो उसका रिजल्ट होएगा वो हम आगे भेज देंगे। देयर ऑफ किसको भेजेंगे? एक्चुअली यूजर्स को भेजेंगे। डेफिनेशन में लिखा नहीं है, मैंने अभी जनरल डेफिनेशन में मैंने लिखा था, इन्होंने लिखा नहीं है, पर एक्चुअली जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं? यूजर्स को भेज रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? यहां से अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं, तो फीचर नंबर क्या आया स्टूडेंट्स? रिकॉर्डिंग। फीचर नंबर 2 क्या आया स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन लिख देता हूं, क्लासिफाइंग लिख देता हूं, बात एक ही है। इसके बाद क्या आ गया? समराइजिंग या समरी बनानी। इसके बाद क्या आ गया आपका? इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट और एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो यानी इसका मतलब ये आ गया, समरी बनाने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, और उसके बाद मेकिंग कम्युनिकेशन टू यूजर, यानी यूजर तक वो बात पहुंचाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इसके मेन फीचर्स हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के। अभी अभी आपने जो पढ़ा वो डेफिनेशन कहाँ की है? AICPA। कोई भी अकाउंटेंसी की बुक्स निकाल लीजिएगा, 11th की निकाल लीजिए, 12th की निकाल लीजिए, BCOM की निकाल लीजिए, MBA की निकाल लीजिए, CE की निकाल लीजिए, सब में ये डेफिनेशन लिखी हुई होगी। रीजन, क्योंकि जो पूरी दुनिया में नंबर वन रैंकिंग है उसने ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन में उसने रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग शामिल नहीं करते, पर आप ऐसा मत समझना। अगर कल को कभी कोई बात आ जाती है तो आप सिर्फ यही बताना पेपर में भी, पूछने वालों को भी, कि AICPA ने अपनी डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग को इंक्लूड किया है, ठीक है। और जनरल टर्म्स में हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन को अकाउंटिंग में शामिल नहीं समझते, हम सिर्फ इनको अकाउंटिंग में शामिल समझते हैं जनरल टर्म्स में। लेकिन जब पेपर में आ जाता है और अकाउंटिंग के बारे में बताना पड़े तो हम इन सब के बारे में बताएंगे। पॉइंट क्लियर है? वैसे इन दोनों को हम बुककीपिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुककीपिंग। पेपर में आ जाए बुककीपिंग क्या है तो आपको रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन लिखना है। पेपर में आ जाए बुककीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है तो आप बताएंगे बुककीपिंग में ये दो फंक्शन, में ये सारे फंक्शन।
पेपर में आ जाए अकाउंटिंग क्या है, तो पांचों बताएंगे साथ में पूरी डेफिनेशन बताएंगे। क्लियर? अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो लेक्चर के में आप लोगों को अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जैसा कि मैंने बताया आपको रिकॉर्डिंग का वीडियो लेक्चर, उस क्लासिफिकेशन का वीडियो लेक्चर, समराइजिंग का वीडियो लेक्चर मिलेगा और उसमें आप इसे बारी बारी से सीख लेंगे। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टाटा।